ये सब बदमाश हैं बादशाह। उस देहाती को भी ये इसीलिए मार रहे थे कि उसने अपना सामान छुपा लिया और इनको नहीं दिया। या तो हम में कोई गद्दार ही नहीं, या फिर जो भी गद्दार है वो बहुत खौफजदा है। अब्दुल हमीद असलहे की तिजारत कर रहा है। दरअसल वो अपने मुल्क का असलहा दूसरों को फरोख्त कर रहा है। सुल्तान मौसम, हमारी कश्ती पकड़ी गई है। कौन सी कश्ती? किसने जुरत की है? दफ्तर महसूलियात के मुहाफिजों ने। जब भी आप चाहेंगे हम अलग हो जाएंगे। थोड़े बीमार हो जाएंगे आप इससे, और मैं खिदमत करके आपको ठीक कर दूंगी। मुझे एक सुराग मिला है, अब हमें मालूम हो जाएगा कि दिलशाद को किसने मारा है। तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। अब्दुल हमीद मुल्क के हथियार बेच रहा है। यकीन मत किया करो फजूल खबरों पर, सुल्तान ऐसा नहीं कर सकते। हुसैन पाशा भी अपने सिपाही ला रहे हैं। विलहम को बंदरगाह छोड़ने के लिए क्या वो नहीं जाएंगे? नहीं पाशा, अब हमें किसी पर एतबार नहीं रहा। ये सिपाही ईमानदार यूनानियों में से नहीं, बल्कि गद्दार यूनानियों में से चुने जाएंगे। उसमें असलहा लदा हुआ था। कैसा असलहा? वो कहाँ भेज रहे थे? मशरिकी तुर्किस्तान। आपने तो हमें नहीं बताया कि वो असलहा कहाँ भिजवाया जा रहा था, मगर हमने जान लिया चीन भिजवाया जा रहा था। मेरे एक सिपाही ने शहजादी को सब्बाहुद्दीन से मुलाकात करते हुए देखा, और वो दोनों काफी देर तक साथ थे।